भारतीय डाक विभाग भारत सरकार द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण महोत्सव की श्रृंखला में देश के अनेक महानगरों में विशेष आवरण और विरूपण मुहर का प्रकाशन किया गया है, जिसका अनावरण समारोह आज खनिया थाना स्थित उप डाकघर में किया गया। इस अवसर पर ग्वालियर गुना संभाग के डाक विभाग के SSP चंद्रेश कुमार जैन, उप डाक अधीक्षक भार्गव और तोमर सहित डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी और गोलाकोट कमेटी के कार्याध्यक्ष राकेश जैन, वास्तुविद महामंत्री डॉक्टर चक्रेश जैन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डाक अधीक्षक चंद्रेश कुमार जैन ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में ऐसे महासंत पर डाक विभाग द्वारा आवरण जारी करना अनूठा कार्य है। डाक विभाग द्वारा देश के अनेक धर्मों के महान लोगों पर डाक टिकट जारी हुए हैं, लेकिन आवरण जारी करना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष आयोजित होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। इस अवसर पर डॉक्टर चक्रेश जैन द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में उपस्थित लोगों को जीवन परिचय दिया गया कि किस प्रकार जैन साधु 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन आहार करते हैं और जीवन भर नंगे पांव विहार करते हैं। इस अवसर पर डाक विभाग के खन्या थाना पिछोर बमोरकला से आए ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा विभाग की योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक किया गया तथा प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। खन्या थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। डाक विभाग से अनुरोध किया था आचार्य जी के 50वें अवतरण दिवस के ऊपर एक अनावरण पेज बनाया और डाकघर ने हमारी इस भावना को स्वीकार किया और भव्य रूप में इसको पूरे देश में विमोचन करके हमको गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज डाक विभाग ने इतना बड़ा कार्य समाज के लिए करके दिया। भारतीय डाक विभाग द्वारा परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऊपर विशेष आवरण उनके 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर डाक विभाग ने पूरे देश में यह आवरण जारी किए हैं। पिछले एक वर्ष से विशेष आवरणों को जारी करने की क्रम श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में आज मध्य प्रदेश में भी कई जगह जारी हुए और इस खनिया थाना नगर में उप डाकघर में हम लोगों ने यह आचार्य श्री का विशेष आवरण जारी करके डाक विभाग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है।